It's my honor to introduce Akshay Kumar ji to you. So ladies and gentlemen, please put your hands together for the man who always dreams for a better India and who keeps making wonderful, path-breaking movies like Toilet. Of a Navy commander in Rustam, Army soldier in Holiday, Army major in Holiday, a police officer in Khaki. Is there some karmic connection between you and the uniform people? It's not about. वैसे अमित जी हम हिंदी में बात करेंगे. So मैं कहूँगा कि कोई connection तो ये है कि मेरे पिताजी army में soldier थे और बस ये इतना ही connection है. And एक uniform देख के उनकी कहानियाँ मैंने कितनी सुनी हैं, कितने लोगों को मैं जानता हूँ, किस किस हालात से, किस किस जगहों से वो गुजरते हैं. उनके सबसे ज़्यादा जो जो लोग जिनको प्रॉब्लम होती है वो है उनके परिवार को. एंड उनकी कहानियाँ मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ. सो बस मेरी इतनी कनेक्शन है कि मेरे पिताजी आर्मी में थे एंड दैट इज़ वाई आई फील अ लॉट फॉर द यूनिफॉर्म. एंड मैंने करीबन यू वोंट बिलीव इट, पहले तो मैं इतनी यूनिफॉर्म की फिल्में करता था जब मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आया था तो करीबन मैं 22 या 23 फिल्में तो सिर्फ पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के कर चुका हूँ. एंड तब तो ऐसा होता था कि मुझे लगता था मेरी गाड़ी में यूनिफॉर्म पड़ा होता था कि जब मर्जी आया गाड़ी से यूनिफॉर्म निकाल के पहन के शुरू हो गए, काम पर लग गए. सो इट्स ऑलवेज बीन. एंड अच्छी बात तो ये है कि मेरी ज़्यादा करके 80-90% फिल्में जो यूनिफॉर्म पहन के की हुई हैं वो हमेशा हिट रही हैं. सो दैट इज़ दैट कि यूनिफॉर्म की सारी फिल्में हिट रही हैं, आगे भी बहुत हिट रहेंगी. तो जवानों के लिए जो आप इतना कुछ करते हैं उसकी प्रेरणा आपने बताया आपके पिताजी से आपको मिली है. आगे आप भारत की वीर को और कैसे ले जा सकते हैं? ऑलरेडी आपने 14 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए हैं. देखिए, आप सब यहाँ हैं, बैठे हुए हैं, सारे सिविलियंस बैठे हुए हैं. कोई यहाँ से है, कोई शायद अब्रॉड से होंगे. मैं आज सुबह उठ के बैठा हुआ था तो मैं भारत के वीर में गया था और वहाँ जाके मैंने कई लोगों के नाम, मतलब करीबन 112 शहीदों के नाम थे, 112 लोगों के, 112 शहीदों के नाम थे. तो उनको मैंने स्टेट वाइज डिवाइड किया. तो यू विल नॉट बिलीव इट, मैंने इतना काम तो अपने प्रोडक्शन में नहीं किया जितना मैं इसमें कर चुका हूँ. कि जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, बिहार हुआ, बहुत सारे और स्टेट्स हैं जैसे आप सभी जानते हैं, 29 स्टेट्स. तो आज मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आई वुड जस्ट आस्क ऑल द सिविलियंस सिटिंग हियर टू गिव देयर ड्यूटी. इट इज़ आवर ड्यूटी टूवर्ड्स द मैन इन यूनिफॉर्म. Because the kind of things they do for us, it is, you know, as being an Indian civilian, it is people's duty to restore men in uniform health and heal their wounds and take care of their family forces. So I would just request everybody sitting here, guys, please help me, please help the soldiers to get what they are due for. और ये जो भारत के वीर है इसके अंदर मैंने ये बनाया हुआ है कि हर सोल्जर को शहीद होने के बाद डायरेक्ट सिविलियन की तरफ से करीबन 15 लाख रुपए उनको मिल जाएं. 15 लाख उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है. अभी मैं बैठा हुआ था अपने रूम में तो पुनीत दालमिया साहब आए. आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उनसे करीबन 5-10 मिनट बात की एंड ही हैज़ अडॉप्टेड 3 स्टेट्स. आई वुड लाइक टू ऑल्सो मैंशन the kind of states he has taken. So sir has taken Odisha, sir has taken Tamil Nadu,
and Assam. So these were the three states. Puneetji, I'm very, very, very thankful to you. And just now, Avantika, can you please? I'll just call him. And just now, अभी मैं मोतीलाल जी के पास बैठा हुआ था. अभी मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला भाई मेरा भी लिख दे. मैं बोला जम्मू कश्मीर लिख देता हूँ. कहता ठीक है जम्मू कश्मीर लिख दो. सो जम्मू कश्मीर मेरे एक मित्र हैं. हाँ जी भैया, अगर वो जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं. आप इनके साथ चले जाना. मेरे मित्र हैं विकी ओब्रॉय from Oberoi Construction. He has taken Andhra Pradesh. And I was just talking to Sameer Gehlot just now, and this all has happened just in a span of half an hour. Sameer Gehlot from India Bulls, he has taken Haryana. Then one of my producers there from Kriyaj Production, they have taken Himachal Pradesh. So मैं आज इस माइंडसेट से आया हूं कि आज मैं भारत के वीर को आज के दिन जीरो करके निकलूंगा. मैं खुद एक कॉर्पोरेट नहीं हूं, लेकिन आज मैंने भी महाराष्ट्र ले लिया है. आई विल बी सपोर्टिंग द होल महाराष्ट्र जस्ट फॉर टुडे. एंड आई वुड आस्क यू गाइस, हूएवर वांट्स टू अडॉप्ट द स्टेट कैन कम अहेड एंड प्लीज अडॉप्ट इट. It'll be a great honor to know about from you, and it'll be a great respectful thing. And this kind of respect we have to. It is our duty, trust me, it is our duty towards all the men in uniform, because what they do, we cannot even match them. And I'm telling you, it is my first experience straight from my own eyes. I have seen it, I've heard it from the horse's mouth, and it is a request to you guys, if you can just come ahead. Forward and do whatever you can. That's it.